देखो मैं तो फर्स्ट विजिट है मेरी किलोई साइड में, मैं कभी आई हुई नहीं हूँ, तो मुझे मैं बार बार कह रही हूँ कि जहाँ शंका जाहिर कर रहे थे इतनी महिलाएं शायद कम आएंगी, वही महिलाएं सबसे ज्यादा। कल मेरा सिलारपुर में था महेंद्रगढ़, तो मैं कहती हूँ वहां मुझे लगा कि इतनी महिलाएं क्या इकट्ठी हो सकती हैं, पर वहां महिलाएं देखे मुझे, मैं तो हैरान होगी भी इतनी महिलाएं। और आज तो इन्होंने तो झंडा अपना सबसे ऊपर कर दिया किलोई हल्के ने तो। किलोई हल्के शंका क्यों थी? नहीं मैं आई हुई नहीं हूँ मैं इतनी इस हल्के में ना, जैसे मैं तो सिरसा साइड में, तो फिर भी, और वो भी एमएलए बनने के बाद में, पहले तो मेरा कोई राजनीति में ऐसे था नहीं, पर थोड़ा सा ये लग रहा था। और कुछ यहाँ की बार बार कैंसिल भी हुई है, आज से चौथी बार करने में हम कामयाब हुए हैं, दो तीन डेथ हो गई थी, तो ये लगता था एक प्रोग्राम करके ना करो तो थोड़ा सा ये लगता है भी पता नहीं महिलाएं सोचेंगी, करते तो है नहीं, और तो मुझे थोड़ा सा था। पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी किलोई की महिलाओं का और जिन्होंने भी इस काम को करने में सहयोग दिया एक एक आदमी का। अभी क्या लग रहा है आपको राजनीतिक तौर पर यहाँ की बात? मैं तो आज कह रही हूँ कि आज किलोई की जो भीड़ देख के मैं कहूंगी कि हुड्डा जी के पसीना जरूर आ जाएगा आज। पसीने तो कई लोगों के निकल गए। हाँ निकल गया कईयों के, तो पहले उसे अपने जींद रैली में निकल गया था, पर आज वाली भीड़ देख के औरतों की भीड़, क्योंकि औरतें सबसे कम हरियाणा की राजनीति में अब तक औरतों को पीछे ही रखा है, वोट जरूर लिए महिलाओं से सबने, पर प्रॉपर औरतों के लिए कुछ किया नहीं। तो मैं यही कहूंगी आपके माध्यम से कि जननायक जनता पार्टी की सरकार आने पे मैं महिलाओं के साथ खड़ी हूँ, और उनके जो छोटे छोटे काम है, महिलाओं के कोई बहुत बड़े काम नहीं होते, उन कामों को करने में, जैसे अब मैं हरी चुनरी की चौपाल से महिलाओं से मिल रही हूँ ना, फिर जरूर कुछ महिलाओं के लिए मैं ऐसा करूंगी जो महिलाएं हमेशा याद रखेंगी। अपने अपने जो मंच से उसमें भाषण का अपने ट्रैक बदल दिया, पहले आईएनएलडी पर ही होता था फोकस, अब अभी सभी राजनीतिक पार्टी, किससे मान रहे आप मुकाबला? क्या चीज है, किस पार्टी से मुकाबला मान रहे? क्योंकि पहले तो आपके जो भाषण थे उसमें सिर्फ आईएनएलडी के ऊपर खटास होते थे। देखो आईएनएलडी को तो हमने बहुत पीछे छोड़ दिया, बहुत। आज के दिन मौजूदा देखो सरकार से कंपटीशन होते हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो सरकार से टक्कर मान के चल रहे हैं बिल्कुल। लेकिन अमित अदाला ये कहते हैं कि जेजेपी को जमा झूठी पार्टी। नो कमेंट्स।